जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो बेड पे सिमट कर बैठ गई थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थी और गोरे चेहरे पे फैला हुआ काजल उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। जो भी था, बट वो दुल्हन तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। उसे इस रूप में देखकर मुझे हंसी आई, लेकिन मैंने अपनी हंसी को दबा लिया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं हंसता, बल्कि मेरा दिल तो रोने का कर रहा था, मर जाने का कर रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि अपना सर दीवार पे दे मारूं, क्योंकि जो कुछ इस बेवकूफ लड़की ने किया था, उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। इस लड़की का तो कुछ नहीं बिगड़ना था, क्योंकि पैसे वाली अमीर लड़की थी, लेकिन मुझ गरीब का बेड़ा गर्क करके रख दिया था इस बेवकूफ ने। जैसे ही मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक किया, वो एकदम से हकलाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? मेरे हाथ कुंडी लगाते लगाते रुक गए थे। अगले ही पल मैंने कुंडी लगाई और उसकी तरफ घूमकर बोला, मेरा कमरा है ये, और रात को सोने से पहले मैं अपना कमरा लॉक करके सोता हूँ। ये कहते कहते मेरी आंखों में शरारत चमकने लगी थी। मैंने खुद के अंदाज में मदहोशी भरते हुए कहा, और वैसे भी शायद आप भूल रही हैं कि आज हमारी सुहाग रात है, तो आज तो कमरा बंद करना बनता है। मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर सपना जी जान से कांप उठी थी। उसने उंगली दिखाते हुए मुझे चेतावनी दी, देखो मेरे करीब भी मत आना। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। उसकी चेतावनी पे मेरा गुस्सा सात में आसमान पे पहुंच गया था। एक तो इस पागल लड़की ने मुझे इस हालत में फंसाया था, और अब ऊपर से मुझे धमका रही थी। मैंने उसकी उंगली अपने हाथ में लेकर मरोड़ दी और कहा, उंगली नीचे करो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने का। ये जो तुम इतना गुस्सा मुझ पे दिखा रही हो ना, अगर इसे अपने बाप पे दिखा देती, तो आज यहाँ मेरी दुल्हन बनकर नहीं, बल्कि उस कमीने सत्यम की दुल्हन बनकर बैठी होती, जिससे तुम मोहब्बत करती हो। यार मेरे पल्ले क्यों पड़ गई हो? मैं तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता। वो अपनी बहती हुई नाक और अपने बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए बोली, तो मैं कौन सा तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन क्या करूं? उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर ऐसा ना कहती, तो पापा मेरी शादी उस लड़के से करवा देते। सत्यम मौके पे होता तो मैं सत्यम का नाम लेती, लेकिन सत्यम मौके पे नहीं था, और ऐसे में उसका नाम लेना मतलब पापा के गुस्से को और भी भड़काना था। एक तो पापा वैसे ही सत्यम का नाम सुनते ही गुस्से से पागल हो जाते, और दूसरा जब उन्हें पता चलता सत्यम मौके से ही फरार है, तो यकीनन वो मेरी शादी उस लड़के से करवा देते। पहली बात तो जब उन्हें ये पता चलता कि मैंने उनके दुश्मन के बेटे से मोहब्बत की है, तो वो उसी पल मुझे मौत की सजा दे देते। मेरी धमकी का उन पे कोई असर होने वाला नहीं था, बल्कि वो खुशी खुशी कहते, अच्छा है, अपनी जिंदगी खत्म कर लो, क्योंकि तुमने दुश्मन के बेटे से मोहब्बत करके मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा दिया है। अपने चेहरे पे चिंता समाते हुए सपना कहने लगी, ब्रिजेश अब आगे क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके चेहरे पे इस समय इतनी मासूमियत और बड़ी बड़ी आंखों में इतना डर समाया हुआ था कि मेरी हंसी निकलते निकलते बची थी। मैंने उसे और भी तंग करने के इरादे से कहा, इसमें समझने वाली क्या बात है, वही होगा जो इस दुनिया की रीत है, शादी हुई है तो अब सुहाग रात। शब्द मेरे मुंह में ही रह गए थे कि उसने मुझे धक्का देकर दूर धकेल दिया और कहने लगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे दोस्त की अमानत हूं मैं, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा, दोस्त की अमानत हो नहीं, दोस्त की अमानत थी, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। अरे यार तुम इतनी जल्दी क्यों भूल जाती हो? अभी कुछ घंटे पहले ही तो तुमने अग्नि को साक्षी मानकर मेरे साथ फेरे लिए हैं। तुम्हारी मांग में सिंदूर मैंने ही भरा है, और ये जो गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है ना, ये मेरे ही नाम का मंगलसूत्र है, तो जाहिर सी बात है सुहागरात भी मेरे साथ ही मनेगी। इस बार उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। कहने लगी, ब्रिजेश प्लीज क्यों तंग कर रहे हो मुझे, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं इस वक्त किस सिचुएशन में गुजर रही हूँ।
ऊपर से तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझे और भी डराने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ये सच था, जितनी बुरी हालत में सपना थी उससे ज्यादा बुरी हालत में तो मैं खुद था। वो तो अमीर बाप की बेटी थी, दौलत की रेल फेल थी, पढ़ी लिखी खूबसूरत स्मार्ट लड़की थी। इस कंडीशन से निकलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, सपना देखो, जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन ये मत भूलो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी ये कहने की कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बल्कि उसी वक्त सच्चाई बतानी थी कि तुम सत्यम से मोहब्बत करती हो। कहने लगी, हाँ, अगर ये कदम नहीं उठाती और तुम्हारी जिंदगी तो बच जाती, लेकिन पापा मुझे जान से जरूर मार देते। और अभी मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में जिंदा नहीं, बल्कि शमशान घाट में किसी चिता पे जल रही होती। ये कहते कहते सपना ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और सत्यम का नंबर लगाने लगी, लेकिन सत्यम का नंबर अभी भी बंद जा रहा था। उसने मोबाइल गुस्से में बेड पे फेंक दिया। मैंने कहा, सपना देखो, मुझे नहीं लगता कि अब सत्यम का फोन लगेगा। पूरे 8 घंटे हो गए हैं उसका फोन बंद है, और जब उसका फोन खुलेगा वो तुम्हारी मिस कॉल जरूर देखेगा और फिर खुद ही तुम्हें फोन करेगा। फिलहाल तुम अपने कपड़े बदलो और आराम से सो जाओ। ये कहकर मैंने भी अपनी शेरवानी उतारी और वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर ढीले ढाले कपड़े पहनकर आया और जमीन पे एक चादर बिछाकर लेट गया। वो बोली, तुम यहाँ जमीन पे सोओगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों, क्या तुम्हारे पास बेड पे सो जाऊं? मेरी आंखों में फिर से शरारत ना छूटी थी। पता नहीं क्यों, जितना ही मैं टेंशन में था उतना ही उस लड़की को देखकर मेरा शरारत करने का मन कर रहा था। मेरी बात पे वो हड़बड़ा गई, कहने लगी, नहीं, मेरा मतलब था तुम जमीन पे कैसे सो सकते हो? मैंने कहा, सो जाऊंगा, हम गरीब लोग हैं, हमें कहीं भी नींद आ जाती है। हाँ, तुम्हें बिस्तर के अलावा नींद नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें नरम मुलायम गद्दों की आदत है। फिलहाल मेरे घर में बहुत ज्यादा नरम मुलायम गद्दे तो नहीं है, लेकिन तुम इन्हीं पे काम चलाना पड़ेगा तुम्हें। थोड़ी देर बाद वो भी फ्रेश होकर ढीले ढाले सलवार कुर्ते में आई थी और बेड पर आकर लेट गई। जो कुछ मेरे और सपना के साथ हुआ था वो हमारी उम्मीद से परे था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। सपना सत्यम से मोहब्बत करती थी और मैं इन दोनों की मोहब्बत का गवाह था। बचपन की मोहब्बत थी दोनों की, और बचपन से जवानी तक दोनों एक दूसरे के सपने संजोते आ रहे थे। मैं जमीन पर चादर बिछाकर लेट चुका था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सारी बातें दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। सपना और सत्यम के पापा बचपन के गहरे दोस्त थे। उसकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव से एक साथ शहर आए थे पढ़ाई करने के लिए। सपना के पापा एक जमींदार घराने से थे, जबकि सत्यम के पापा गांव के एक छोटे किसान के बेटे थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि पढ़ाई के बाद उन्होंने शहर में ही बिजनेस करने का सोचा, क्योंकि गांव की जिंदगी दोनों को रास नहीं आई थी। बिजनेस करने के लिए सपना के पापा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सत्यम के पापा के पास पूंजी नहीं थी। वो एक छोटे मोटे काम करके अपनी बहन की शादी करने के सपने देख रहे थे, लेकिन सपना के पापा ने उन्हें समझाया कि अगर बिजनेस सफल हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर तय हुआ ये कि सपना के पापा पैसे लगाएंगे और सत्यम के पापा अपना समय और मेहनत देंगे। दोनों ने मिलकर तय किया कि हम पार्टनरशिप पे बिजनेस करेंगे। सत्यम के पापा को ये बात पसंद आई थी क्योंकि दिमाग में सपना के पापा से ज्यादा तेज थे, और यूं सपना के पापा बिजनेस में पैसा लगाते गए और सत्यम के पापा अपना दिमाग और बिजनेस को देते गए। ऐसे ही सत्यम के पापा के तेज दिमाग की वजह से बिजनेस दिनों दिन चमकने लगा था। दोनों ने शादी की और शहर में ही सेटल हो गए। बचपन से ही दोनों के घरों में काफी अच्छा आना जाना था, जिससे दोनों के बच्चों की
गहरी दोस्ती हो गई थी। मैं सपना के घर में काम करने वाले माली का बेटा था, लेकिन सपना और सत्यम कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं करते थे। बचपन से ही मेरे साथ खेलते, मुझ पे अपनी जान छिड़कते थे। दोनों मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि जिस स्कूल में उन्होंने अपना एडमिशन लिया था, अपने माँ बाप से जिद करके मेरा एडमिशन भी उसी स्कूल में करवा दिया था। एक बार जब सपना के पापा ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसके बाद उन्होंने बिजनेस पे ध्यान देना छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि सत्यम के पापा बिजनेस संभाल लेंगे। बिजनेस की तरफ से सपना के पापा ने ध्यान क्या हटाया, सत्यम के पापा का मन बदलने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि रातों रात उन्होंने पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया। जब ये खबर सपना के पापा को मिली तो गुस्से से उनका बुरा हाल हो गया था। सत्यम के पापा ने साफ कह दिया कि जितना पैसा तुमने बिजनेस में लगाया था, उसका 2 गुना पैसा ले लो और इस बिजनेस को अलविदा कहो, क्योंकि ये बिजनेस मेरी मेहनत से खड़ा किया गया है। और फिर यहीं पे दोनों दोस्तों में गहरी दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। इतनी गहरी दुश्मनी हो गई थी कि अब दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे। लेकिन इधर सपना और सत्यम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, पर उन्हें अपने पेरेंट्स की दुश्मनी का भी पता था। कभी-कभी दोनों डरते थे कि क्या हमारा मिलन होगा। बीच में मैं उन्हें समझाता था कि घबराने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। हो सकता है तुम्हारी वजह से दो दोस्तों की दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन दोनों के पेरेंट्स के बीच दुश्मनी खत्म होने के बजाय और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सपना ने रोते हुए सत्यम को बताया कि उसके पापा उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा रहे हैं, जो एक बिजनेसमैन है, और ऐसा करके वो अपने बिजनेस को चमकाना चाहते हैं। जब सत्यम के पापा ने बिजनेस अपने नाम किया था, तो सपना के पापा ने एक नया बिजनेस खड़ा किया था। नया नया बिजनेस था, तो उसे चमकाने के लिए उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत थी, और इसीलिए वो अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने दोस्त के बिजनेसमैन बेटे से करवा रहे थे, ताकि अपने बिजनेस को मजबूत कर सके। ये सब सुनकर सत्यम भी परेशान हो गया था, और सपना के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। फिर दोनों ने तय किया कि वे चुपके से किसी मंदिर में जाकर शादी करेंगे। बाद में जब उनके पेरेंट्स को पता लगेगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस काम में उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया था। मुझे पंडित जी और शादी की बाकी तैयारियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मरता क्या ना करता, मुझे मजबूरन हाँ करना पड़ा। दोनों का इरादा रात 11 बजे घर से निकलने का था। मैंने शहर से बाहर एक मंदिर में जाकर दोनों की शादी का इंतजाम कर दिया था। सबसे पहले सपना आई थी। वो एकदम सादे कपड़ों में भी आते ही मैंने उसे मंदिर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में भेज दिया था, जहां सत्यम ने शादी का एक लहंगा और कुछ गहने रखे थे, क्योंकि उनका इरादा सिर्फ शादी का नहीं बल्कि सुहागरात मनाने का भी था, ताकि वे अपने आगे के रास्ते बिल्कुल साफ कर सके। थोड़ी देर बाद सपना तैयार होकर बाहर आ गई थी, लेकिन सत्यम का अभी तक कहीं पता नहीं था। मैं बेचैनी से सत्यम का इंतजार कर रही था। उधर सपना भी काफी परेशान थी। कई बार सपना को फ्रूची फोन कर चुका था, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। हम दोनों को ही बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सपना के पापा पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल हुए थे। आते ही उन्होंने अपने सपना के मुंह पे थप्पड़ की बारिश कर दी। सपना लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे संभाल लिया। अगले ही पल सपना के पापा ने मेरे चेहरों पे भी थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए थे। कहने लगी, कुत्ते कमीने, तेरी औकात क्या है जो तू मेरी बेटी से शादी करने के सपने देख रहा है? उसे भगाकर अपनी इज्जत को खराब करना चाहता है। मेरी इज्जत को नौकर होकर मालिक की बेटी पे नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? फिर वो सपना की तरफ मुड़े और कहने लगे, सपना, जो कुछ भी किया है तुमने गलत किया है, लेकिन शुरुआत तुमने ही की थी, अब इसका अंत मैं करूंगा। इसके बाद उन्होंने किसी को फोन लगाया।
और कहने लगे, कितनी देर में पहुंच रहे हो? सामने से ना जाने क्या कहा गया कि उन्होंने कहा ठीक है, ये कहकर उसने फोन काट दिया। और ठीक 3 मिनट के बाद जो मंदिर में दाखिल हुआ, उसे देखकर सपना के होश उड़ गए थे, क्योंकि मंदिर में दाखिल होने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिससे सपना के पापा उसकी शादी करवाना चाहते थे। सपना के पापा कहने लगे, जब शादी की तैयारियां हो ही गई है तो अब तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन मेरे बताए लड़के से, इस 2 टके के नौकर के बेटे से नहीं। सपना के पापा को गलतफहमी हो रही थी और उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा, अंकल आप गलत सोच रहे हैं, सपना और मेरी शादी, इससे पहले मैं कुछ और बोल पाता, सपना ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। आगे बढ़कर कहने लगी, पापा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं आपके बताए लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं ब्रिजेश से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, और अगर आपने मेरी शादी ब्रिजेश से नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं हैरान रह गया था कि सपना ने ऐसा क्यों कहा, उसे तो सत्यम का नाम लेना चाहिए था लेकिन उसने मेरा नाम क्यों लिया। अगले ही पल उसने पास खड़े कांस्टेबल से पिस्तौल लेकर अपने सिर पर रख ली, कहने लगी, पापा अगर आज मेरी शादी ब्रिजेश से नहीं कराई गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी बेटी की इस हरकत पर सपना के पापा गुस्से से भर गए थे, लेकिन सपना उनकी इकलौती बेटी थी और वो यूं उसे मरते हुए नहीं देख सकते थे। मजबूरन सपना के पापा को शादी के लिए मानना पड़ा। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए थे। ये सपना क्या कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। और अगले ही पल मेरी शादी सपना के साथ हो रही थी। मैं उसे गुस्से से घूर रहा था, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आंखों से ही मुझे चुप करने का इशारा कर रही थी। जब मैं उसके मांग में सिंदूर भरने के लिए उसके करीब गया तो चुपके से उसके कान में फुसफुसाया, सपना अभी भी समय है, सच्चाई बता दो वरना तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। सपना कहने लगी, ब्रिजेश अपना काम करो, मैंने सब सोच लिया है। मंगल सूत्र पहनाते वक्त भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो ना जाने क्या सोचे बैठी थी। उधर सत्यम अभी तक नहीं आया था, ये शायद आकर ही तमाशा देखकर लौट गया था, मैं कह नहीं सकता। खैर सपना और मेरी शादी हो चुकी थी। सपना के पापा बहुत गुस्से में थे। जब वो आशीर्वाद देने के लिए उनके पास गई तो उन्होंने आशीर्वाद भी नहीं दिया था और गुस्से से अपने आदमियों के साथ मंदिर से बाहर चले गए। मरता क्या न करता मैं सपना को अपने घर ले आया। मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए थे, कहने लगे, ब्रिजेश ये क्या कर दिया तुमने, मालिक ने हमें सहारा दिया था जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही थी और तुमने उसकी लड़की से इश्क कर लिया, अब मालिक नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारी भी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, क्या करोगे तुम। अब मेरे पापा को अपनी रोजी रोटी की चिंता थी और मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो रही थी। मैं सपना से प्यार नहीं करता था और ना ही सपना मुझसे प्यार करती थी, फिर भला मैं उसके साथ ये सब जानकर कैसे जिंदगी गुजार सकता था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मैंने सपना का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाकर छोड़ दिया था और मैं खुद बाहर आ गया। मैं सत्यम की खबर लेना चाहता था, आखिर वो कहाँ गायब हो गया था कि उसकी कोई खबर नहीं थी। मैं उसे ढूंढने और उससे संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। थक हार कर मैं घर वापस लौट आया। मैंने एक नजर बेड पे सुई सपना की तरफ देखा जो शायद बेखबर सो रही थी या फिर सोने का नाटक कर रही थी। पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे सोए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे अपने पैरों पे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ था। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया था। कुछ तो था जो रेंगता हुआ मेरे पैरों के ऊपर तक आ रहा था। मैंने जल्दी से पास रखा मोबाइल उठाया, उसकी लाइट टॉर्च ऑन की और देखा तो मैंने जल्दी से अपने पैर को झटका था क्योंकि मेरे पैर पे एक बड़ा सा और मोटा सा कॉकरोच रिंग रहा था।
फिर मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं फिर से जमीन पे सो जाऊं, क्योंकि कॉकरोच अगर मेरे कान में घुस गया तो लेने के देने पड़ जाते। कुछ सोचकर मैंने अपना तकिया उठाया, चादर उठाई और सपना के बराबर में अपना तकिया चादर रखकर लेट गया। मैंने अपने और सपना के बीच में तकियों की एक बाउंड्री भी बना ली थी। यार, इस लड़की ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया था। यही सब सोचते सोचते मैं सो गया था। सुबह मेरी नींद किसी नर्म एहसास की वजह से खुली थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, सपना मेरे बेहद करीब थी। मैंने सपना को झंझोड़ कर उठाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? वो भी अचानक उठ बैठी और गुस्से में कहने लगी, बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हारे करीब नहीं आई, तुम मेरे करीब आए हो। तुम तो नीचे जमीन पे सोए थे ना, फिर ऊपर बिस्तर पे कैसे पहुंचे? और मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने कहा, नीचे कॉकरोच था इसीलिए मैं ऊपर बेड पे आ गया था। बिस्तर पे जगह कम थी इसीलिए मैंने बीच में तकिया रखकर सोया था, लेकिन पता नहीं कब तकिया हट गया और हम इतने करीब आ गए। मैं बाथरूम में गया कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने सत्यम खड़ा था। उसे देखकर मैं और सपना दोनों ही फौरन रह गए थे हैरान। सपना को जब होश आया तो उसने सत्यम के सीने पे मुक्के मारने और बरसाने शुरू कर दिए। रोते हुए कहने लगी, सत्यम, तुम कहाँ चले गए थे? देखो, तुम्हारी नादानी की वजह से मैं आज किस मुसीबत में फंस गई हूँ। वो भी काफी हद तक परेशान था। कहने लगा, बेवकूफ लड़की, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम इस नालायक की पत्नी बनकर इसके कमरे तक आ गई हो, इससे तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? इसने तुम्हें छुआ तो नहीं? वो सपना को गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगा। और उसकी बात पर मैं वैसे ही गुस्से से लाल पीला हुआ बैठा था। उसके बात पे और भी गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पे एक घूंसा मारते हुए कहा, एक तो मैं तुम दोनों के लफड़े के बीच में फंस गया हूँ और ऊपर से तुम मुझ पे शक कर रहा है। अच्छे से चेक कर ले अपनी महबूबा को, मैंने उसे एक उंगली भी नहीं लगाई है। अगले ही पल सत्यम ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा, थैंक गॉड, मैं तो समझा था कि कहीं तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं बना लिया। फिर उसने सपना की तरफ देखते हुए और मुड़ते हुए कहा, सपना, तुम ठीक हो ना? फिर सपना के कान के करीब अपना मुंह ले जाकर कहने लगा, वैसे सपना, सच बताओ, इस कमीने का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसने रात को तुम्हें तंग तो नहीं किया? तुम्हारे करीब आने की कोशिश तो नहीं की थी? सपना कहने लगी, सत्यम, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अपने दोस्त पे विश्वास नहीं और तुम्हें मुझ पर भी विश्वास नहीं? खैर, हम तीनों कमरे में बंद होकर बैठ गए थे और सत्यम ने बताया कि रात को उसे पापा ने किसी जरूरी काम से शहर भेज दिया था। कहने लगा, मैं जल्दी जल्दी टाइम से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद मैं टाइम से नहीं आ सका। मैंने सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं, लेकिन जैसे ही फोन जेब से निकाला वो हाथ से छूट कर जमीन पे गिर गया और फिर उसने काम करना ही बंद कर दिया। जैसे तैसे मैं मंदिर पहुंचा था, लेकिन जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तुम इस कमीने से शादी कर चुकी थी, वहां पे मौजूद मेरे आदमियों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। जब तुम इसकी पत्नी बन चुकी थी फिर मैं चुपचाप वहां से लौट आया। मैंने सोचा कि जो भी सारा मामला है सुबह हैंडल करूंगा। मैं सत्यम और सपना बैठे आगे के प्लान के बारे में सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। फिर ये तय हुआ कि कुछ महीनों तक हम पति पति बनने का नाटक करेंगे। उसके बाद मैं सपना को तलाक दे दूंगा और फिर सपना और सत्यम आपस में शादी कर लेंगे। हम तीनों की यूनिवर्सिटी आखिरी सेमेस्टर खत्म होने वाला था और कुछ ही दिनों में हमारे पेपर थे। सब कुछ भूलकर हम परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए थे। सपना मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाती और मेरे साथ ही वापस आ जाती, लेकिन जितने समय वो यूनिवर्सिटी में रहती पेपर खत्म करने के बाद वो सत्यम के साथ हो जाती थी।
हालांकि पहले भी वो सत्यम के साथ समय बिताती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों जब वो सत्यम के साथ जाती, मेरा मन करता कि वो सत्यम के साथ ना जाए, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता था और अपने मन को समझाता। जैसे जैसे हमारे एग्जाम खत्म हो रहे थे, मैं अब नौकरी की तलाश में लग गया था, क्योंकि फिलहाल कुछ महीने तो मुझे सपना को अपने साथ ही रखना था। सपना बड़े घर की बेटी थी और मेरे छोटे से दो कमरों के मकान में उसे एडजस्ट करने में काफी मुश्किल हो रही थी, उसे तकलीफें हो रही थी, लेकिन वो हिम्मत से सामना कर रही थी और मुझसे कोई भी शिकायत नहीं करती थी। उसने समझ लिया था कि जो कुछ हो रहा था उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, बल्कि मैं उसकी जिम्मेदारी निभा रहा था। धीरे धीरे मैंने घर में थोड़े बहुत बदलाव करना शुरू कर दिए थे, जैसे कि कमरे में एक सोफा डलवाया ताकि मुझे सोने में कोई दिक्कत ना हो। फर्श टूटा हुआ था और कॉकरोच और चींटियों का डर था। मैं अब सोफे पे सोता और सपना बिस्तर पर। सपना के माता पिता इकलौती बेटी से कब तक नाराज रहते। एक दिन उसके मम्मी पापा उससे मिलने आए और घर की हालत देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने सपना को माफ कर दिया और मेरी नौकरी भी एक बड़ी सी कंपनी में लगवा दी, साथ ही एक फ्लैट भी सपना के नाम कर दिया और कहा कि तुम लोग वहां शिफ्ट हो जाओ। हालांकि मैंने ये फ्लैट लेने से उसे मना किया था, लेकिन सपना ने मुझे समझाया तो मैं मान गया। लेकिन फिलहाल मैं सपना के फ्लैट पे कोई हक नहीं रखता था, क्योंकि वो सिर्फ मेरे नाम की पत्नी थी। इसीलिए मैंने उसे उस फ्लैट में शिफ्ट होने से साफ इनकार कर दिया। सपना ने भी फिर ज्यादा बहस नहीं की थी। सपना के पापा ने मेरे पापा को भी नौकरी पे रख लिया था, जिससे घर के हालात अब धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। सपना अब धीरे धीरे घर में एडजस्ट हो रही थी और मुझसे बातें भी करने लगी थी। एक दिन जब मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए थे तो मैं और सपना घर पे अकेले थे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था कि तभी अचानक लाइट चली गई। मैं सपना से कहा कि मैं किचन से माचिस और कैंडल लेकर आता हूँ, लेकिन तभी किचन से बर्तन के गिरने की आवाजें आई। लेकिन सपना डर गई, डर के मारे मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब दूसरी बार आवाज आई तो वो डर के मारे मेरे सीने से चिपक गई। सपना के इतने करीब होने पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थी। मैंने कहा, सपना घबराने की जरूरत नहीं है, जरूर किचन में चूहे होंगे। लेकिन सपना इतना ज्यादा डरी हुई थी कि डर की वजह से कांप रही थी और मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे सीने से लगी वो खूबसूरत नाजुक सी लड़की मेरी पत्नी थी। मेरे दिल में जज्बात मचलने लगे थे। मैंने कहा, सपना कुछ नहीं, बस चूहे होंगे। लेकिन सच कहूं तो उस वक्त मेरी भी धड़कनें तेज थी। जी चाह रहा था कभी लाइट ना आए और सपना कभी मुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन ये एक बचकानी सी विश थी जो पूरी नहीं होनी थी। लाइट अचानक आ गई जब सपना ने खुद को मेरे इतना करीब पाया और उसे कुछ एहसास हुआ तो सपना झेप गई। हम दोनों अलग हो गए और मैंने किचन में जाकर देखा कि सच में चूहे बर्तनों से खेल रहे थे और मैंने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। दिन रूटीन पे आने लगे थे और एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो सपना घर पे नहीं थी। मम्मी पापा ने बताया कि वो अपनी दोस्त से मिलने गई है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो सत्यम से मिलने गई है। थोड़ी देर बाद जब वो सपना वापस घर आई तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो सीधा कमरे में चली गई, मैं उसके पीछे गया। सपना मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने अपना सर मेरे कंधे पे टिका दिया। मैंने उसके सर को सहलाते हुए उसे तसल्ली दी और कहा, सपना बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? और फिर सपना ने रोते हुए मुझे बताया, ब्रजेश सत्यम मुझ पे शक करने लगा है। उसे लगता है कि हम दोनों अकेले रहते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते होंगे। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सपना से कहा, सपना इस सब का एक ही हल है, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ और तुम सत्यम के पास चली जाओ। इस पे सपना
चुप हो गई थी। तलाक का नाम लेते हुए मेरा दिल कांप रहा था। पता नहीं क्यों मुझे अब सपना का साथ अच्छा लगने लगा था। मेरा जी चाहता कि सपना हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाए। मैं सपना के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे सपना से मोहब्बत हो गई थी। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं खुद अपने हालात पे हैरान था। सब कुछ जानते बूझते मैं कैसे सपना से मोहब्बत कर सकता था। लेकिन शायद सात फेरों का यही जादू होता है कि खुद ब खुद हमारे दिल में अपने साथी के लिए मोहब्बत आने लगती है। और मोहब्बत एक एहसास होता है, एक जादुई एहसास। और ये मोहब्बत का एहसास किसी को जानबूझकर या किसी प्लानिंग के साथ नहीं होता, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो खुद ब खुद दिल में जन्म लेता है। और यही हाल मेरा है। जिंदगी को रूटीन पे लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मेरा मन सपना में ही अटकने लगा था। ऑफिस में भी सपना का ख्याल बार बार आता। अब तो सत्यम ने भी मुझ पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि सपना को तलाक दो, मैं उससे शादी करूंगा। मजबूरन मैंने सब तलाक के पेपर तैयार करवाने शुरू कर दिए थे। मैंने सपना को भी इसके बारे में बताया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। एक उम्मीद थी कि शायद सपना इस रिश्ते को ना तोड़े और इसे आगे चलाने की बात कहे, लेकिन उसकी खामोशी ने मेरे दिल में मायूसी भर दी थी। उस दिन जब हम तीनों, मैं, सपना और सत्यम कोर्ट में वकील के सामने बैठे थे, तो मेरा दिल अंदर से रो रहा था। आ सपना हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रही थी। जब मैंने तलाक के पेपर पे साइन करने ही वाला था तो सपना ने मेरा हाथ रोक लिया। कहने लगी, ब्रजेश, तलाक से पहले मैं कुछ बातें सत्यम के सामने साफ कहना चाहती हूँ। अगर वो ये सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपनाने के लिए तैयार है तो मैं ये तलाक के पेपर साइन कर दूंगी। मैं और सत्यम हैरानी से सपना की तरफ देखने लगे। सपना की नजरें झुकी हुई थी। उसने कहना शुरू किया, सत्यम, तुम्हें लगता है ना कि ब्रिजेश ने मुझे छुआ होगा, वो मेरे करीब आया होगा। मैं आज तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ। सत्यम, ब्रिजेश ने मुझे एक बार भी नहीं बल्कि कई बार छुआ है। शादी की पहली रात ही वो मेरे पास सोया था, इतना करीब कि उसके हाथ मेरे ऊपर थे। उस रात ब्रिजेश मुझे अपनी बाहों में लेकर सोया था। हाँ, हम साथ सोए थे, लेकिन हम कोई प्लानिंग के साथ एक साथ नहीं सोए थे। जो कुछ हुआ था वो बस इत्तफाक से हुआ था। हाँ, हम एक साथ जरूर सोए थे, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ था। हमने अपनी हद पार नहीं की थी। इसके बाद भी जब मैं डर गई थी तो ब्रिजेश ने मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरा डर कम किया था। सपना ने आगे कहा, सत्यम, कई बार ऐसा हुआ जब मैं दुखी होती थी, परेशान होती थी, मेरा दिल किसी मेहरबान कंधे की तलाश में होता था कि जिसके कंधे पे सर रखकर मैं अपने गम हल्का कर सकूं, तो मैंने ब्रिजेश का सहारा लिया। लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ एक दोस्त और साथी की तरह हुआ था। वो कभी जानबूझकर मेरे करीब नहीं आया और ना ही मैंने उसे ऐसा करने दिया। लेकिन अगर तुम इस सब के बाद भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं ये तलाक के पेपर साइन कर दूंगी। सत्यम ने हक्का बक्का होकर सपना की बातें सुनी। उसने कहा, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि ब्रिजेश ने तुम्हें एक बार भी नहीं छुआ, और अब तुम कह रही हो कि वो तुम्हारे करीब आया था, बल्कि काफी ज्यादा करीब आया था। अगर तुम खुद ही कह रही हो कि तुम दोनों कई बार करीब आए हो, तो मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं? इससे आगे कुछ नहीं होगा। तुम दोनों जवान हो, दोनों के जज्बात है। क्या पता कोई ऐसा नाजुक पल आया हो कि तुम बहक गए हो। सालाना, अब मैं तुमसे सुहाना सपना, अब मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हारा मेडिकल चेकअप ना करा लूं। सत्यम की बातें सुनकर मैं और सपना दोनों ही चौंक गए। कि तभी सपना मेरी तरफ मुड़ी और बोली, ब्रिजेश, तुम्हें मेरे और सत्यम के बारे में सब पता है ना?
तुमने मुझे हमेशा इसके साथ देखा है। तुम्हें ये भी पता है कि मैं और सत्यम अकेले में भी मिला करते थे, लेकिन एक बार मैं तुम्हें भी क्लियर कर दूं कि कभी मैंने सत्यम के साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। सब कुछ मैंने अपनी शादी के बाद के लिए बचा कर रखा था। अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामोगे बिना किसी शक के, बिना किसी चेकअप के? सपना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बातों से मेरा दिल खुशी के लहर दौड़ गई थी। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मैंने कहा, सपना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और सपना का, सत्यम का अतीत क्या था। जब से तुम मेरी पत्नी बनी हो, मैं तुम्हें दिल में अपनाया है। कब तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में जन्म लेगी मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें सत्यम के हवाले करने जा रहा था। मैं जानता हूं कि तुमने हमेशा अपनी और सत्यम की मोहब्बत की खातिर सब कुछ सहा है, लेकिन अब तुम मेरी हो और मुझे तुम पे पूरा यकीन है। सपना मेरी बात सुनकर रोते हुए मेरे सीने से लग गई थी। कहने लगी, नहीं ब्रजेश, अब मैंने असल मोहब्बत समझी है। मैं अब तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। सत्यम तुम जा सकते हो, मैं ब्रजेश को नहीं छोड़ सकती। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सत्यम जोर से हंसा था, कहने लगा, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हो। खैर, अच्छा ही हुआ कि तुमने मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी खराब नहीं की। तुम दोनों को तुम्हारी शादी मुबारक हो। ये कहते हुए सत्यम कोर्ट से बाहर चला गया था। सपना और मैं घर वापस लौट आए थे। दिल खुश तो था, लेकिन सपना की रोती हुई आंखों को देखकर मेरे दिल में हल्की सी उदासी थी। क्या सच में वो मुझसे मोहब्बत करती थी, या सिर्फ सत्यम की शक की वजह से उसके दिल में गुस्सा है जो उसे मेरी तरफ खींच रहा था? मैं कुछ भी समझ में नहीं पा रही थी। फिर भी जो भी हो रहा था, मैं बहुत खुश था। जब हम घर पहुंचे और खाना खा लिया, तो हम अपने कमरे में आ गए थे। सपना बेड पे लेट गई, जबकि मैं सोफे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे सोफे की तरफ जाते देख सपना कहने लगी, ब्रजेश, तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे ना, तो फिर यूं मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? अब जबकि तुम मुझे दिल से अपना चुके हो, तो मेरे करीब आओ। उसके खुले ऑफर से मैं हैरान रह गया था। मैंने चौंककर सपना की तरफ देखा। मैं तो खुद इस बात को लेकर परेशान था कि मैं अपना रिश्ता सपना के साथ कैसे बनाऊं, बढ़ाऊं। लेकिन सपना ने एक ही पल में मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया था। मैं जल्दी से जाकर बेड पर उसके पास बैठ गया। सपना मेरे हाथ थाम लिए और कहने लगी, ब्रजेश, जानते हो, कई बार रातों को मेरे मन में ख्याल आता था कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हारे सीने पे सिर रखकर लेट जाऊं, तुम्हारी सांसों को महसूस करूं, तुम्हारी खुशबू को अपने जिस्म में उतार लूं। लेकिन मैं हमेशा खुद को रोक लेती थी। मुझे लगता था कि मैं सत्यम की अमानत हूँ, लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं तो तुम्हारी अमानत थी। कब तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में भरने लगी थी मुझे पता ही नहीं चला था। आज मुझे पूरा कर दो ब्रजेश, मेरी मोहब्बत से मुझे सारा बोर कर दो। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं कब से तरस रही थी, और अपनी नादानी से मैं सत्यम के पीछे भाग रही थी। सत्यम को मुझसे मोहब्बत नहीं थी। अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो वो मुझ पे शक नहीं करता, बल्कि मुझे हर हाल में स्वीकार कर लेता। उसके इन बातों पे मैंने सपना को अपनी बाहों में समेट लिया था। हम दोनों के दिल की धड़कनें एक हो चुकी थी। उस रात मैंने अपने पति होने का फर्ज निभाया था और सपना को उसके हक की मोहब्बत दी थी। दिल में थोड़ा सा डर था कि शायद सपना के दिल में अब भी सत्यम ना हो, लेकिन समय के साथ ये ख्याल साबित हुआ था कि सपना मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरी राह तकती थी, मेरी जरा सी जुदाई उसे तड़पा कर रख देती थी।
कुछ समय बाद सत्यम ने भी अपने अस्तर के एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली थी और इस खबर से सपना को कोई फर्क नहीं पड़ा। सत्यम ने अपनी शादी में मुझे और सपना को भी बुलाया था। हम दोनों उसकी शादी में गए थे। सत्यम का व्यवहार सपना के प्रति सामान्य था। उसने सपना से कहा, सपना मुझे खुशी है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। शायद ब्रजेश ही तुम्हारे लिए सही जीवन साथी है। मैं भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सत्यम ने मुझे भी गले लगाया और कहा, तुम्हारी और हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। शादी से लौटते समय मैंने सपना के चेहरे पे कुछ तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सिर्फ सुकून और मेरी मोहब्बत के रंग के सिवा कुछ नहीं था। उसने अपना सिर मेरे कंधे पे टिका दिया और मैंने गाड़ी चलाते हुए एक हाथ से सपना को अपने और करीब कर लिया। अब मेरे दिल में कोई डर या वहम नहीं था, बल्कि सुकून था कि सपना सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।